हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आपका हैजटेक राहुल सर केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेरा नाम है राहुल शर्मा। आज हम प्रिपरेशन ही पढ़ेंगे, किसके द्वारा या प्रिपरेशन कर रहे हैं मोनोहेलोअल्केन की या एल्किल हैलाइड की, जिसमें क्या होता है वन हेलोजन एटम परसेंट होते हैं। तो आज हम किसके द्वारा देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के द्वारा। किसके द्वारा देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के द्वारा। मतलब हाइड्रोकार्बन के द्वारा मोनोहेलोअल्केन कैसे बनता है। तो इधर देखो, यहाँ पे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के द्वारा कैसे बनेगा मोनोहेलोअल्केन। पहले तो ये बनने के लिए इसमें कंडीशन चाहिए, एक टर्म्स चाहिए। वो कौन सी कंडीशन है, इसमें अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन या अल्ट्रा वोलेट लाइट की प्रेजेंट में ही ये रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है ना। और फिर ये रिएक्शन जब अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन या अल्ट्रा वोलेट लाइट की प्रेजेंट में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो उस कंडीशन के अंदर इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। तो फ्री रेडिकल के द्वारा इसमें मोनोहेलोअल्केन का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। इधर देखो एक बार कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन था ही, ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है इसका, प्रोपेन। मतलब तीन कार्बन है तो क्या आएगा, प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या जाएगा, एन। तो इसका नाम क्या हुआ, प्रोपेन हुआ। प्रोपेन के कितने मोल है, दो मोल है, मतलब दो मोल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोरीन के साथ, मतलब हेलोजन के साथ क्या कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सीएल सीएल के बिटवीन क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो किसकी प्रेजेंट में हो रही है, अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन की प्रेजेंट में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है, तो ये किसके रूप में क्लेवेज होगा, फ्री रेडिकल के रूप में। तो एक क्लोरीन पे ये फ्री रेडिकल, दूसरे क्लोरीन पर एक फ्री रेडिकल। तो ऐसे यहां से हाइड्रोजन का क्लेवेज होगा, तो हाइड्रोजन का क्लेवेज होगा तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे। ये याद रखना, जब अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन या सनलाइट की प्रेजेंट में या हाई हीट की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्री रेडिकल एच सी एल है, ये तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, सी एल के साथ रिएक्शन करेगा, और क्या बना दिया, एच सी एल। अब यहाँ पे देखना, 2HCl रिमूव हुआ है, मतलब 2 क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन भी कितने हैं, कितने एटम है, 4 एटम, कितने हैं, 4 एटम। और यहाँ पे प्रोपेन भी कितने हैं, 2 मोल है, कितने मोल है, 2 मोल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 और 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2HCl रिमूव हो जाएगा। मतलब इसको बैलेंसिंग करेंगे ना, तब अपने आप हो जाता है। ये बैलेंसिंग का वीडियो मैं बना दूंगा, कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, वो मैं अगले जो वीडियो आएगा उसमें बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे क्या जुड़ा, Cl, दूसरा फ्री रेडिकल है, वो Cl के साथ अटैचमेंट होकर क्या बना दिया, मोनोहेलोअल्केन। तो अब इसका रियल नाम है 1-chloropropane। क्यों बोला 1-chloropropane, इसमें काउंट नंबरिंग दो, 1, 2, 3, वन नंबर पर क्या है, क्लोरीन, तो 1-chloro है ना, और तीन कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 1-chloropropane। यहाँ पे क्या हुआ है कि फर्स्ट वाले कार्बन एटम पर क्या हुआ है, हेलोजन एटम अटैचमेंट हुआ है। यदि इसके साथ अटैचमेंट ना होकर हमारे पास प्रोपेन 2 मोल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब दूसरा मोल किसके साथ रिएक्शन करेगा, फर्स्ट वाले कार्बन एटम के साथ ना करके, मतलब 1 डिग्री के साथ ना करके किसके साथ करेगा, 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ। तो यहाँ पे देखो इधर एक बार, तो अब ये किसके साथ कर दे रिएक्शन, सेकेंड वाला मोल। तो यहाँ पे मैं एच ऐसे शो कर देता हूँ, और ये बॉन्ड का क्लेवेज हुआ, एक फ्री रेडिकल यहाँ और एक फ्री रेडिकल यहाँ, और यहाँ पे फिर वो सीएल फ्री रेडिकल के रूप में टूटेंगे, दूसरा सीएल टू, और वो क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट का निर्माण करेगा और एचसीएल क्या निकाल देगा, रिमूव कर देगा। ये 2HCl मतलब एक तो इसका है और एक इसका है। तो यहाँ पे भी क्या बना है, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या है, हेलोजन एटम है, तो क्या है, 1, 2, 3 का नंबरिंग दी, तो यहाँ पे क्या है, 2-chloropropane आ जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब एक कंडीशन आती है कि हमारे पास मतलब एरिल हैलाइड बनाना है या मोनो एरिल हैलाइड बनाना है ना, तो वो कैसे बनाएंगे। तो हम देखो इधर, एक तो ये जो कोई भी एराइल है वो सीधा डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है ना, तो इस वजह से ये किसकी प्रेजेंट में होती है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। वही मान लो हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की प्रेजेंट में क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो रिएक्शन करवाने पर जो ये, इसका नाम क्या है, टालुइन। क्या नाम है, टालुइन। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 आ जाए उसे बोलते हैं टालुइन, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, CH2H ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिख दिया, बात वही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड का क्लेवेज हुआ, सनलाइट की प्रेजेंट में या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की प्रेजेंट में, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ और एक फ्री रेडिकल यहाँ। तो देखना एक बार, ये फ्री रेडिकल यहाँ और ये फ्री रेडिकल यहाँ।
तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एच है वो बी आर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एच बी आर। बी आर भी किसमें टूटेगा, फ्री रेडिकल के रूप में, किसके रूप में टूटेगा, फ्री रेडिकल। तो एक फ्री रेडिकल यहाँ और एक फ्री रेडिकल यहाँ, तो यहाँ से एच रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एच बी आर, और दूसरा बी आर किसके साथ रिएक्शन कर देगा यहाँ पे। परंतु ये तो थे इसकी जनरल रिएक्शन, परंतु जब यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा ये टालोइन का, तो ये फ्री रेडिकल पहले किसमें जाएगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में। क्यों जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बन नहीं सकता, ये स्टेबिलिटी किसके द्वारा शो करता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के द्वारा। तो रेजोनेंस के द्वारा क्या होगा, बेंजाइल जो फ्री रेडिकल है उसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देख लो। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना था, बोन टूटा था, एक फ्री रेडिकल यहाँ और एक फ्री रेडिकल यहाँ, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना। अब ये पाई बोन है, ये भी क्या टूट जाएगा, किसका क्लेवेज हो जाएगा, तो एक फ्री रेडिकल कहाँ आएगा, यहाँ पे, और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, तो दो फ्री रेडिकल हो गए। तो ये वाला फ्री रेडिकल है, ये तो इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और बॉन्ड का फॉर्मेशन करके क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। इतनी बात क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक फ्री रेडिकल, तो मैंने ये फ्री रेडिकल शो कर दिया, तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या आई, ये आई। अब अगले क्या होगा, अगला वाला बॉन्ड का क्लेवेज हो जाएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, ये फ्री रेडिकल जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनाया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हुआ, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, तो ये फ्री रेडिकल मैंने यहाँ शो कर दिया। अब तीसरा बॉन्ड का भी क्लेवेज हो जाएगा, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, तो ये फ्री रेडिकल तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और एक फ्री रेडिकल यहाँ का, यहाँ ऐसे का ऐसे। फिर अगली प्रोसेस क्या हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड फिर क्लेवेज हो जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल की जगह बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल था, एक फ्री रेडिकल यहाँ, इन दोनों के साथ तो क्या बना, बॉन्ड, और ये बॉन्ड क्या आ जाए, यहाँ पे टूट जाएगा, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बच गया। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये फ्री रेडिकल है, अब किसके साथ रिएक्शन करेगा, बी आर टू के साथ, किसके साथ, बी आर टू, तो बी आर, बी आर फ्री रेडिकल में क्लेवेज होगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, और तो ये यहाँ के साथ क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो एच निकला था यहाँ से, ये वाला, ये दूसरे बी आर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया था, एच बी आर, और ये बी आर इसके साथ अटैचमेंट हो गया। तो ये थी अपना जो बेंजाइल था, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टालुइन, या फिर एरिल मोनोहेलो एरिन का फॉर्मेशन कर दिया, किसके द्वारा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही था, किसके द्वारा, हाइड्रोकार्बन के द्वारा, हम क्या किसका फॉर्मेशन किया है, एरिल हैलाइड का, और हाइड्रोकार्बन के द्वारा दूसरा किसका फॉर्मेशन हुआ है, 1-क्लोरोप्रोपेन का, या सीधी श्रृंखला वाले, या एलिफेटिक हैलोजनों का, ठीक है ना। तो आज इतना ही था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उनका भी प्रॉफिट हो। और दूसरा अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनी ऑफ रूल है वो, जैसे कि हेलोजन एटम एल्किन के कौन से कार्बन के साथ अटैचमेंट होगी, कौन के साथ नहीं होगी, ये उस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक्स, इतना ही था।